राम राम जी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी हमें विपिन देसी फिटनेस की मेन ब्रांच में, और अगेन मेरे साथ कौन है, मयंक। आज से टी शर्ट नहीं निकाली हुई है, ठीक है, वैसे फ्लैक्स कर रहा है, चलो बढ़िया है। तो जैसा कि आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि भाई बाइसेप्स के ऊपर वीडियो बनाओ, बाइसेप्स के ऊपर वीडियो बनाओ, आर्म्स के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि इस एज में ना सभी भाई चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे बाइसेप्स अच्छे हों, हाफ बाजू के हम टी शर्ट पहने बाहर जाके हवा बनाए, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा होता होगा क्या, तुम्हारी क्लास के बच्चे बोलते होंगे भाई बाइसेप्स का साइज कितना हो गया, पूछते हैं आर्म्स का साइज कितना है, है ना। तो इसकी एज में ये होता है। तो आप सभी भी चाहते होंगे कि हमारे अच्छे बाइसेप्स हो। एक बार पोज लगा के दिखाइयो थोड़ा, टी शर्ट ऊपर करके। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, वर्कआउट करेंगे तो और भी अच्छी मसल्स निकल के आएगी। तो जो भी भाई बिगनर्स हैं, जिनकी एज 14 से 18 साल के बीच में है, वो जो अपने अच्छे बाइसेप्स बनाना चाहते हैं, अपनी आर्म्स को अच्छा बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उसी के लिए आज हम वर्कआउट बताएंगे। तो मेरे साथ है मयंक, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम वर्कआउट करने वाले हैं अपने बाइसेप्स का, और बाइसेप्स के अंदर हमने अभी वार्म अप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और अगेन यहाँ जो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे वो किसी हैवी वेट से शुरू नहीं करेंगे, हम लाइट वेट से ही वर्कआउट करेंगे, और लाइट वेट में ही आप लोग देखेंगे हमारी मसल्स कितनी अच्छी निकल कर आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि आप कितने हैवी वेट से वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी पोजीशन से अपना वर्कआउट लगा रहे हैं, आपका वर्कआउट लगाने का पोस्चर क्या है, आप अपने जिस मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं भी पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो वर्कआउट रहेगा वो हमारी रहेगी बारबर कर्ल, जिसका वेट है हमारे पास यहाँ पे 12 kg, ठीक है। 12 kg वेट से अभी हम अपनी बारबर को, बारबर से अपने बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। तो अभी मयंक करके दिखाएगा, चलो मयंक शुरू कर देगा। और अगेन हमने वार्म अप कर लिया है, तो जो भी अपना बाइसेप्स का वर्कआउट करना चाहते हैं वार्म अप जरूर लगा ले। आप पुलअप्स लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके बैंड करके अपने बाइसेप्स के ऊपर, जिससे पूरा फोर्स पड़े। तो आप अपना वार्म अप जरूर करें इस वर्कआउट से पहले। चल भाई, चलो इसमें दोनों पोजीशन होगी हमारी, एक रॉन्ग पोजीशन जो गलत तरीके से लगाते हैं, एक राइट पोजीशन। अब रॉन्ग पोजीशन क्या होगी, मैंग लगा के बताएगा। जैसे शुरुआत में बच्चे जाते हैं जिम के अंदर एक हैवी वेट लेके, जो झूल के लगाते हैं, एक बार लगा के दिखा। काफी गलती तूने भी की होगी, काफी बार ऐसे की है। और एक आर्म्स का, आर्म्स एक पीछे रखते हैं पूरी, यहाँ पे बिल्कुल पीछे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है ज्यादा, शोल्डर पे आ रहा है। तो शोल्डर में इंजरीज के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर आप ये करके लगाएंगे तो, ठीक है। यहाँ करके ना लगाएं, एक्सक्यूजेज ना दें, मजे ले रहे हैं आप जिम नहीं कर रहे जिम के अंदर, ठीक है, हवाबाजी कर रहे हैं तो हवाबाजी ना करें। हैवी वेट लगा लेते भैया, वीडियो बनाने चक्कर में ऐसे लगाएंगे, हां ये करके। ये प्रोफेशनल जो हो जाते हैं ना, जो एडवांस लेवल के होते हैं, उनके लिए ठीक होता है, वो एक दो चीट रैप लगा सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो चीट रैप, अभी आप अपना बेसिक तो तैयार कर लें, उसके बाद आप एडवांस पे जाएं, तब चीट आप एक दो रैप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एडवांस लेवल का कोई लगाता तो अच्छी बात है, बिगिनर्स हैं तो आप तरीके से लगाएं। चल भाई, आप तरीके से लगा के बता। ये देखिए हमारे आर्म्स बिल्कुल होल्ड है, ठीक है, चल अब शुरू कर। वन, थोड़ा सा क्लोज आ जाइए भाई। अब आप देखेंगे पूरा फोर्स हमारे बाइसेप्स के ऊपर पड़ रहा है, ना ये मूव कर रहा है, ना इसके डेल्टॉइड के ऊपर, शोल्डर के ऊपर इतना फर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी आर्म स्ट्रेन हो रही है, बाइसेप्स स्ट्रेन हो रहे हैं। चल होल्ड करके, होल्ड करके, ये शाबाश, चल बढ़िया। 3, 4, 3 more, चल शाबाश, खींच के। तो ये हम बिल्कुल लाइट वेट से लगा रहे हैं, किसी को किसी के मन में ये मिथ ना रहे कि हैवी वेट से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारी एज कम है, हाइट रुक जाएगी, तो उस मिथ को हम साइड रखते हुए अभी लाइट वेट से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इससे भी हमारी मसल्स काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। चल भाई रख दे एक बार, अब दूसरा डंबल उठा ले, आगे आ जा, इसको तो बैठ के लगा, बैठ जा, दोनों हाथ में डंबल, चल। तो ये लगा रहे हम डंबल कर्ल, और हमारे एक डंबल का वेट है 5 kg, तो ये भी हम लाइट वेट से शुरू कर रहे हैं। चल मैं एक टी शर्ट निकाल ही देगा, क्योंकि टी शर्ट नहीं निकालेगा तो मोटिवेशन आएगा नहीं सामने देखने वाला। चल बढ़िया, एट द एज ऑफ 16, चल अभी डंबल लगाएंगे हम, अब डंबल की पोजीशन भी हम बताएंगे। चल शुरू कर, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे होल्ड रखना है, एक को होल्ड रखना है, दूसरे को लगाना है, ठीक है। ये आर्म्स होल्ड रहेगी जैसे बताया, थोड़ा सा आगे रख, कोई नहीं, आराम से, चल चल। ये 2, 3, 4, 5 चेंज, 1। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम
फाइव रेप जो अपना रेपिटेशन है वो हम लेके चल रहे हैं। तो फाइव रेप हम लगाएंगे एक आर्म से, फिर एक आर्म्स को हम होल्ड रखेंगे, फाइव हम दूसरे से लगाएंगे, फिर दूसरी होल्ड रखेंगे और फिर हम दोनों से लगाएंगे अगेन टेन, फाइव फाइव और अगेन टेन दोनों से। चल शाबाश, हिलना नहीं है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हाईएस्ट रेपिटेशन आपको लगाना है जब तक आपको ये ना लगे कि मुझसे उठ नहीं पा रहा है। चल मैं हाईएस्ट लगा, हाईएस्ट लगा, इसके अंदर कितने हुए, सेवन टेन, चल फाइव मोर फाइव मोर फाइव मोर, वन टू, थोड़ा क्लोज आ जा भाई मसल्स पे, थोड़ा लेके आ कैमरे को, चल थ्री टू, वेल लड़के चल वन। ये था हमारा दूसरा वर्कआउट, अभी हम तीसरा करेंगे। चल भाई, तो आज हम अपने आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं, ना केवल बाइसेप्स को, आर्म्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी तीसरा हम लेके चलेंगे टी पुली, जो हम मशीन्स के ऊपर लेके चलेंगे। चल भाई, यहाँ भी आप देखिए हम लाइट वेट से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने दो प्लेट इसके अंदर डाली हुई है। थोड़ा ब्लैक ना आए उस साइड आ जाओ, थोड़ा ब्लैक नहीं आएगा, घूम जाए इस साइड। चल भाई शुरू कर। अब इसमें भी आप लोग पोजिशन देखेंगे, काफ़ी भाई लोअर बैक पर काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, लोअर बैक पूरी हमारी होल्ड है। अब पूरी ट्राइसेप्स को हम ट्रेन करेंगे। चल, जैसे डोगी का पंजा होता है ना, ये देखो इसको कर आर्म्स को, ये चल अभी इसे खींच के लेके आना है, खींच के लेके आ, ये शाबाश। चल होल्ड कर, होल्ड कर यहाँ पे, हाँ स्लो जाना है, बिल्कुल स्लो जाना है, फोर आर्म्स को भी ट्रेन करना है और ट्राइसेप्स को भी। चल ये बहुत अच्छे, तो आप पोस्चर देख रहे हैं बिल्कुल ये राइट पोजिशन है हमारी वर्कआउट करने की, इसमें हमारी लोअर बैक भी होल्ड है और इसमें हमारे ट्राइसेप्स के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। चल शाबाश, बढ़िया। तो हमने अभी जो वर्कआउट बताया इसके अंदर तीन एक्सरसाइज बताई है, जो बिगनर्स हैं अपना वार्म अप करके और इन तीन एक्सरसाइज को आप करें। हम इससे ज़्यादा कुछ एडवांस अभी बताएंगे नहीं, अभी हम जो सिंपल चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने बता रहे हैं। सेकंड जो वर्कआउट रहेगा हमारा अगली वीडियो, वो भी बाइसेप्स की ही रहेगी और उसके अंदर भी हम आपको बाइसेप्स वर्कआउट से रिलेटेड कुछ और नई चीज़ें बताएंगे, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें बताएंगे। ये तो थी बेसिक, क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो हम धीरे धीरे कुछ नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज आपको बताएंगे। मैं कुछ कहना चाहोगे, हो गया फिर भी बाइसेप्स के बारे में, पहले कितने थे अभी कितने हैं, कैसा वर्कआउट चल रहा है? पहले 9 की 6 की बारह हो गए, अभी 12 के हो गए, 9 से सीधा 12, ठीक है। एक बार फ्लेक्स कर दो, क्या बात, खींच, भूल जाता है क्या? आज थोड़ा सा मेहनत हुई नहीं है, आज पसीना कम है ना पिछली वीडियो कंपेयर में, कोई नहीं अभी आ जाएगा निकल के। चलिए बाकी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं बता दे भाई, भाई का है विपिन यादव ऑफिशियल के नाम से और मेरा है मैं यादव 001, ठीक है जी। बाकी लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने अभी शुरू किया है, वो क्या है, अंडर 18 फिटनेस, ठीक है। तो वो उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों चीज़ों को जाएं आप लोग फॉलो करें, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, बूम बूम। मैं भी सीख गया पोजिंग करना है ना।